अस्सलाम वालेकुम सर, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज जो है ना व्लॉग में 6:30 बजे स्टार्ट करूँ। मेरे दिन से कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, बस अचानक जो है ना इरादा हो गया। मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों का भी टाइम पास हो जाएगा। तो जो है आज का व्लॉग में सीन ये है कि मैं आया हूँ शूट के लिए अमान भाई ने भी लिया हुआ एक्सिस में। तो चलो चलते हैं वीडियो बनाने। मैंने कहा आ जाओ, मेरे को तो वीडियो शूट नहीं बनाने, अभी मेरा मूड भी नहीं था वीडियो बनाने का। तो मैंने फाइनली इसके वीडियो तो डन हो चुके हैं, अमान की वीडियोस बन चुकी हैं और अब निकलने वाले। मैं आया था, मेरे साथ अमान था और बाबा है वहाँ पे, वो आ रहा है। बाबा को आप नहीं जानते, आपने इज्तिमा वाला व्लॉग देखा है तो उसे जानते होंगे, अगर नहीं देखा है तो नहीं जानते होंगे। तो वो रहा बाबा आ रहा है। हाँ भाई कैसे हो, ठीक ठाक मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह, यक्के तरह यक्के से। हम आए फार्म में, बाबा को बोल रहा हूँ आ जाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी मुर्गियाँ। चलो देखे बाबा, मैं आपको बोल रहा था। चलो आ जाओ दिखाते हैं आपको। पता नहीं मैंने देखा था उस दिन यार, मुर्गियाँ थी मेरे ख्याल से, जाके देखते अगर मुर्गियाँ नहीं हुई तो। बाबा मुर्गियाँ नहीं, तेरे को बंद कर देंगे अंदर। तो बस यहाँ पे खरगोश हैं, रैबिट। अभी आगे जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने समझे थे मुर्गियाँ हैं यार, या तो खरगोश निकले। बाबा हमको आगे लेके जा रहा है, ये देखे भाई जान टांकी है। क्या औज बोलते हैं बलोची को? औज यहाँ पे तो नहीं है। चलो वो रहा यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, 20% है यार। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, फिर मैं व्लॉग सीधा घर पे जाके ही बनाऊँगा। ये बाबा अभी नए नए बच्चे, ये भी माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं, इनका गोश्त हम लोग खाएंगे। तो गोश्त खाएंगे अंडे, फिंगर बर्गर, फिंगर चीज़, क्लब सैंडविच, वो सारे इन्हीं से होते हैं ना? अच्छा, जिंगर बर्गर, चीज़ बर्गर, क्लब सैंडविच, सारे जो है ना इनके गोश्त से ही बनते हैं। तो आप सब ने भी खाया होगा ना मेरे ख्याल से, यकीन आप लोगों ने खाया होगा। बाबा आपने खाया? और आप कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। और मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है, प्लीज़ इन मासूम पर तरस खाएं। अब मिलते हैं सीधा घर पे। सो घर जाने से पहले हमने रास्ते में पिया गन्ने का रस, जो बड़ा ही मज़ेदार था। ये बॉय। सो यार ये अभी आ चुका है, 9 बज रहे। हम कब से जो है ना इसी का ही इंतज़ार कर रहे थे, ये आएगा तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? बाइक बंद करो यार। डॉक्टर के पास इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि अवेश का जो है ना तबीयत ख़राब हो चुका है। तो यही सीन है, तो अवेश को पहले लेके चलते हैं डॉक्टर के पास, थोड़ा इसका मूड शूड जो है ना ऑन करते हैं, इसको घुमाते हैं, जड़का चरका लेके जाते हैं ताकि बच्चे का मूड ऑन हो जाए। तो कल ये पेपर देने जाए, थोड़ा इसकी तबीयत शबीयत ठीक हो जाए। हाँ भाई ऐसा ही है, किस टेंशन में हो? क्यों, क्या टेंशन है? कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? बताओ यार दोस्तों को बताओ। आप चुके डॉक्टर के पास, आप कहाँ जा रहे हो? हम भी आएंगे आपके साथ। टोकन है, टोकन भी लगाते हो? ये लिख के दिए, दो सुई लगेगी, पीछे लगेगा वो, इसका बड़ा मजा आने वाला। आ जाओ। बताओ सुई कहाँ पे लगेंगे? आता हूँ। आ रहे हैं बेटा, अरे सुई लगेंगे बुंड पे, सुई इसकी बुंड पे लगने वाले, तो बड़ा मजा आने वाला है बेटो। आप अस क्यों रहे हो? आपकी तबीयत खराब है हमारा सूजन लगेगा बेटो। अरे नहीं, सूजन वाला वो लेडीज बन के हमको चार्जर लेडी से, यार आपको लेडीज के सामने अच्छा लगता है? बल्ले इधर बैठ कर यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि आराम से लगाओ। चलो लेटो आप, लेटो। हम हैं ना, हम किस लिए, हम आपसे पकड़ेंगे। बेटा लेटो यार लेटो, आपकी तबीयत खराब है, मजाक नहीं होता इस टाइम। लेटो चलो। कुछ नहीं छुपाना, छोटी क्या है भाई, मेडिसिन के बारे में ध्यान रखो। दो टाइम खाना खाने के बाद है सारे। कमजोरी के पीछे खाना खाने वाले हो या नहीं? कमजोरी के पीछे तुम्हारा अपना ही हाथ है। कमजोरी है ना इसको ना बहुत ज्यादा, उसके पीछे आपका अपना हाथ है। कहाँ भाग रहे हो? डॉक्टर को पीछे ना हाथ दिखाओ, दाएं हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, हाथ में नीचे दिखाओ। बताओ अब तबीयत कैसे है आपका, बेटर हुआ या नहीं हुआ? दो मिनट में इंजेक्शन का असर है। इंजेक्शन का है, छोले बोले थे ना कुछ खाना नहीं चाहिए ना, बाहर के खाने मत खाओ, हम कहीं और लेके जाएंगे वहीं पे कहेंगे। आपका पहले से तबीयत खराब है और ये बाहर के खाने का, ये तो गलत है ना। कौन अवेश? अब क्या हमारे साथ होगा तो बाहर का ही खाएगा। नहीं मतलब ये छोले नहीं यार, चिप्स वगैरह खाएंगे। पिज्जा पिज्जा हम आए कुछ खाने के लिए, हल्का फुल्का भूला हुआ। मैं तो घर से खाना खा के आया हूँ, तो फैजान और मेरे ख्याल से अवेश नहीं गया, तो मैंने कहा
चलो चिप्स वगैरह खाते हैं, फिर आप लोग घर पे जाके कुछ खा लेना, मतलब हल्का फुल्का भूख पे तो हल्का फुल्का गुजारा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये दोनों भाई कहते हैं अभी कैसा है, आप लोग व्यू चेक करो, नीचे हमारी आया भूसा भी खड़ी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। फैजान का बाइक खराब है, कज़न से लिया हुआ फैजान ने, परपटी को दिखाते हैं, अभी तो कुछ कहा तो नहीं, भूख लगा हुआ है। Few moments later. मगर एक लेके हमने तीन बोले थे उसमें, समझे एक। अबे आप कह लो आपको ज़्यादा भूख लग रहा है, हमारे जब तक आएंगे यार कह लो इसे ठंडा हो जाएगा, कह लो इसे ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कहो, ठंडा हो जाएगा भले ठंडा हो जाएगा। उसने एक समझ लिया यार, एक लेके आया तो ये ठंडा हो रहा है, अब शर्मा रहा है, बस कह रहे मैं नहीं गाऊंगा साथ में गाएंगे, खा लो वरना मैं ये खा लूँगा फिर आप, मैं जो है ना हमारा आएगा हम खाने नहीं देंगे आपको। यार आ गए हमारे खाते हैं फटाफट, तो खा लिए। हाँ भैया आपका अभी तबीयत कैसा है, ठीक है बेहतर है, हो गया की रिपोर्ट है, आज तो बड़े खुश हो आज। सो यार जो है ना आप भी यही सोचोगे कि डेली चिप्स खाते हैं, चिप्स यार हमें पसंद है तो हम खाएंगे। सो बहुत अल्लाह के, हाँ अवैध भाई है ना, अभी क्या सीन है यार, चले चाय वगैरह पिए कुछ, ये तो पी लिया, सोडा नहीं पियेंगे चाय पियेंगे, चाय के मज़े लेंगे, सोडा वाले नीचे भी आ रहे हैं, चाय वगैरह पीते हैं, टेस्ट करके बताओ फैजान कैसा है। इस होटल में जो है ना फैजान को, फैजान कह रहा था कि होटल के चाय अच्छे नहीं है, मैंने कहा आप चेक तो करो एक दफ़ा फिर पता चलेगा ना पागल। ये क्या कर रहे हैं, तुम देख क्यों ऐसे, मुझे शर्म आया चाय पीने में, चाय पी रहे मम्मी चाय पी रहे। हम अपने इलाके तक तो आ चुके हैं मगर तेल जो है ना खत्म हो गया, हम क्वार हो गए, आपका तबीयत ठीक हो गया। मैं बीमार हूँ, मुझे क्वार कर रहे हैं यार। बीमार तू नहीं है बेटा, तू ठीक है, अभी तक सिप सिप खिलाए तू ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अरे बस के 15 मिनट हो गए, तो गए हम घर पे तो आ गए थे, दोबारा काम, अब जाने फोटोग्राफी करवाने। क्यों छुपा रहे हो भाई साहब, यार बहुत गलत बात हो गई। क्या हो गया? शादी से पहले मैं पापा बन गया। पापा बन गए ना, खाने वाले पापे, पापे वही वाले पापे, गलत मत समझो। हाँ फैजान कुछ भी यार, आप लोगों ने क्या समझ लिया, वो वाले पापा समझ लिया, वो नहीं है अभी, शादी के बाद होंगे। रात को मैं व्लॉग एंड करना बिल्कुल भूल गया, तो इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नया हो तो हमको सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं आने वाली बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।